मैं कीर्ति परोहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप यानी चूहेदानी, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका आज हम पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम समझेंगे अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में। थेल्मा लैजरलॉक 1848 to 1940 वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। मतलब इसकी जो राइटर हैं, जो लेखिका हैं, वो हैं थेल्मा लैजरलॉक, और ये एक स्वीडिश राइटर थी, लेखिका थी। इनकी जो जितनी भी कहानियां हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनको कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम। आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन इन आयरन ओर व्हिच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री। The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. यहाँ पर जो सेल्मा लैजरलॉक सीडर लेखिका रही है, उनकी जितनी भी स्टोरी की जो थीम रहती थी वो यूनिवर्सल थीम यानी कि एक विश्वव्यापी सोच रहती थी, यानी जो पूरे वर्ल्ड की सोच होती थी वो सारी उनकी स्टोरियों में, उनकी कहानियों में दिखाई देती थी। उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य में जो भी अच्छाइयां हैं वो किससे ला जा सकते किससे लाई जा सकती है, यानी किसी भी मनुष्य के अंदर अच्छाइयों की शुरुआत उनकी समझदारी और प्रेम से की जा सकती है। ये जो स्टोरी, जो कहानी है, ये स्वीडन की जो खदानें, जो लोह खदानें हुआ करती थी, उनसे रिलेटेड होकर के बनाई गई है। इस स्टोरी में ये जो स्टोरी है एक परिकथा की तरह है। तो चलिए बस शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक निकाल लें और साथ में रीड करेंगे। अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ एंड एट ऑड मोमेंट फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, in bed, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. हम यहाँ पे बता रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में, ये स्टोरी है कि एक व्यक्ति है जो क्या करता था, सब जगह जाता था और सेलिंग यानी बेचा करता था, छोटी छोटी चूहे दानियां बनाते। चूहे दानी मतलब वो एक ऐसा पिंजरा रहता ना जिसमें चूहा फंस जाया करता है, इस प्रकार से तारों की बनी हुई चूहे दानियां बेचा करता था। और जब वो कब बनाता था इसको, जब उसके पास खाली समय बचता था तब इन चूहे दानियों को खुद से बनाया करता था। और इसका जो मटेरियल था वो कहाँ से मिलता था, वो तारों को किसी स्टोर के पास से या किसी बड़े फॉर्म में जो तार, कटीले तार ये पड़े रहते हैं ना, इनको इकट्ठा करके और इनसे खाली समय में वो चूहे दानियां बनाया करता था। इसका ये जो बिजनेस था चूहे दानी बेचने का, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब इसको बहुत लाभ नहीं मिलता था उसको बेचने से। तो क्या करे, बाकी का जीवन वो कैसे जीता था, तो वो दोनों चीजें किया करता था, चूहे दानी बेचा करता था, बैगिंग यानी भीख भी मांग लिया करता था थोड़ी बहुत, या फिर यानी छोटी मोटी चोरी कर लेता था। माने कि एक चूहे दानी पर उसने बेची तो इतना पैसा नहीं मिला तो उसने क्या किया, या तो वो भीख मांग लेता था आवश्यकता पड़ती थी, या नहीं तो वो क्या कर लेता था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यहाँ ध्यान दो ये फ्रेज कितना बढ़िया, बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपनी आत्मा और अपने शरीर को इकट्ठा, यहाँ पर इसका अर्थ है जिंदा रहने के लिए, अर्थात जिंदा रहने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां और करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रेज, चिथड़ों टाइप के उसके कपड़े रहते थे, बीच बीच में पैच लगे हुए ऐसे कपड़े वो पहनता था। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो अंदर धस चुके थे।
एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों से क्या दिखाई देती थी, भूख दिखाई देती थी। भूख किस चीज की? पैसों की, खाने की, रहने की, अच्छे जीवन शैली को जीने की भूख दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole, अब यहाँ देखें कि कोई भी इसकी इस व्यक्ति के जीवन के बारे में इमेजिन या कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी दुखी और एक नीरस टाइप की जिंदगी इस आवारा व्यक्ति को मिली हुई है, जो कि प्लॉड अलोंग में भारी कदमों से पूरी रोड पर चलता है और अपने ही ध्यान में, अपने ही एक प्रकार, जैसे आपने किसी भिखारी या किसी को देखा है रास्ते पर चलते हुए जो अपने आप में ही मगन होकर चलते रहते हैं, तो इस प्रकार से ये एक मेडिटेशन टाइप की मुद्रा में चलता ही रहता है। एक दिन ये व्यक्ति क्या होता है, फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यानी विचारों की इतनी ज्यादा गहराइयों में खो जाता है कि वो क्या सोचता है, जिसको वो अपने आप में आनंद महसूस करता है, यानी वो इतना गहरा विचारों में खो जाता है कि उसको अपने आप में ही आनंद आने लगता है, वो अपने ही विचारों में खूब मगन। जैसे छोटे बच्चों को देखा आपने, कभी कभी वो छोटी सी बात पे इतना खुश होकर के मगन हो जाते हैं, ऐसे ही ये जो व्यक्ति रहता है चूहेदानी बेचने वाला, ये इसमें मगन हो जाता है। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, आगे देखें, अचानक से फिर वो एक ऐसे विचार में फंस जाता है कि उसका मतलब है कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरे विश्व के बारे में, द होल वर्ल्ड विथ हिज लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अचानक से उसको एक आइडिया आता है कि अरे ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरे जो धरती है, जितनी भी यहाँ पर पृथ्वी दिखाई दे रही है, वो जितने समुद्र हैं, जो शहर है, जो गांव है, सबके सब कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, क्या है ये दुनिया पूरी है, अ बिग रेड ट्रैप, एक बहुत बड़ी चूहेदानी के समान बिहेव कर रही है, यानी पूरी दुनिया आपस एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी के समान है। कैसे हैं आप इसको समझें, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड फॉर पीपल, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bed, it closed in on him and then everything came to an end. अब उसके मन में कैसा ये विचार आया, एक बहुत दार्शनिक टाइप का विचार आता उस व्यक्ति के मन में कि ये पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के समान है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग के पास कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ वो क्या एक दाना, जो लालच के लिए जो दाना दिया जाता है ना, उसके लिए लोग यहाँ बैठे हुए, उनके अंदर इतनी लालच है, उनको अमीर होने के लिए, आनंद में रहने के लिए, शेल्टर यानी आश्रय पाने के लिए, खाने के लिए, हीट यानी गर्मी के लिए, ऊर्जा के लिए, कपड़ों के लिए, बिल्कुल वैसे ही ढंग से इस दुनिया में ऑफर और लालच दी जाती है जैसे कि एक चूहेदानी में क्या करते हैं, चूहेदानी में हम चीज का एक टुकड़ा या पॉर्क यानी सुअर का जो मांस लगाते हैं उसको क्या किया जाता है, लगा के रख दिया जाता है, जिससे चूहा अट्रैक्ट होता है और उस चूहेदानी में फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो किसी न किसी लालच में आकर के इसके अंदर एंट्री तो करते हैं लेकिन वो फंस करके रह जाते हैं और सब चीज खत्म होने पर आ जाती है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many daily ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. Ab, ये जो दुनिया थी उस व्यक्ति के लिए, उसने जो सोचा तो उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी, उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इस दुनिया से, तो वो सबके बारे में क्या सोचा था, इल, मतलब बुरा ही सोचता रहता था, और सबके बारे में बुरा सोचते सोचते उसको क्या मिल गया था, ये अनवांटेड जॉय उसको फीलिंग आने लगी थी, और किसी के भी बारे में बुरा सोचना और वैसे टाइप से सोचना
तो उसके लिए एक चेरिस्ड पास टाइम यानी एक पसंदीदा समय हो गया था कि वो घूम घूम करके, लॉर्डिंग मैंने घूमना, घूम घूम करके बस ये बुरी बातें ही उसके दिमाग में आती रहती थी। वो भी ये भी सोचा करता था कि जो लोग फंस चुके हैं इस चूहेदानी में वो तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जो इस चूहेदानी में फंसना चाहते हैं। अर्थात उसने इस पूरे विश्व की कल्पना एक बड़ी चूहेदानी से की जिसमें कोई फंस जाए तो दोबारा वापस नहीं निकल सकता। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. And he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Zolis with his guest until bedtime. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेजिंग मतलब चल रहा, एक दिन क्या हो रहा था, शाम को वो चला जा रहा था रोड में, तो उसने देखा कि वहां पर एक भूरे रंग की छोटी सी कॉटेज यानी झोपड़ी दिखाई रही उसको रोड साइड के, वहां पर वो रुक गया वो व्यक्ति, और उसने उसको खटखटाया, दरवाजे को खटाया और एक रात रुकने के लिए क्या मांगी, आश्रय मांगा, शरण मांगी कि मुझे एक रात रुकने यहाँ मिलेगा क्या। जैसा कि उसको लग रहा था कि कोई मना कर देगा तो ऐसा हुआ नहीं, उसको रिफ्यूज नहीं किया गया। और वहां पर उसने देखा कि एक सोर फेसेस का मतलब होता है अनप्लीजेंट लुकिंग, देखकर खुशी ना हो ऐसा फेस वाला एक चेहरा, उसके बूढ़ा चेहरा उसके सामने आया और उसने उसको क्या किया, अपने घर अंदर आने दिया। वो उस कॉटेज का क्या था, ओनर था। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी पत्नी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। जब जैसे ही उसने किसी अजनबी को अपने यहाँ आते देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो उसको देख के खुश हो गया कि चलो अब मेरी जो अकेलापन है वो कैसा है कट जाएगा और मैं आसानी से रह सकूंगा। तुरंत ही उसने क्या किया, पॉरिज, पॉरिज यानी दलिया का बना हुआ एक जो डिश है उसको पॉरिज कहा जाता है, उसने तुरंत वहां पर आग पर रख के गर्म किया और इस अजनबी व्यक्ति को क्या किया, परोस दिया। खाना देने के बाद उसने क्या किया, बहुत एक बड़ा टुकड़ा टोबैको यानी तंबाकू की पत्ती से काटा और क्या किया, उसने पाइप में दोनों ने मतलब सिगार पी आराम से, दोनों को उतना टुकड़ा जो तंबाकू की पत्ती का कटा था दोनों को पर्याप्त हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, उसने ओल्ड पैक ऑफ कार्ड यानी ताश के पत्तों का कार्ड, ताश के पत्ते निकाले और उन्होंने कौन सा गेम खेला, जॉलिस। जॉलिस स्वीडन का ताश का एक गेम है जिसका नाम जॉलिस है, और वो दोनों कब तक खेलते रहे, जब तक कि उनके सोने का समय नहीं हो गया। मतलब उस व्यक्ति ने उस कॉटेज के अंदर एंट्री ली, वहां जाकर के पॉरिज खाया, उसके बाद उन्होंने तंबाकू सिगार पी और उसके बाद ताश के पत्तों का एक गेम जॉलिस खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। जो बूढ़ा व्यक्ति था जो उसका ओनर था उस कॉटेज का, वो बहुत ही दयालु टाइप का था, उसने जैसे ही पॉरिज परोसा और टोबैको दिया उसी प्रकार से वो भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज लॉस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। It was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She should give milk for the creamery every day. And last moment he had received all of 30 kronor in payment. अब जो बूढ़ा व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि जब उसके अच्छे prosperity यानी समृद्धि के दिन चल रहे थे तब वहां पर वो राम जो आयरन वर्क में क्या किया करता था, काम करता था, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, अब उसके कार्य करने की क्षमता घट गई, तो अब उसके पास पैसे और उतनी रिचनेस नहीं रही। उसके पास जीविका चलाने के लिए सिर्फ एक ही साधन था, वो था उसकी गाय, जो क्या देती थी, दूध देती थी, और उसकी क्रीम से वो क्या करता था, बेच करके
30 क्रोनोर। क्रोनोर यहाँ पर स्वीडन की एक मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रुपए चलते हैं वैसे वहां क्रोनोर चलते हैं। तो 30 क्रोनोर उसको एक दिन उसको प्राप्त हो चुके थे। पिछले महीने उसने उस दूध से क्रीम बेच करके 30 क्रोनोर कमाए थे। तो अब जब ये बताता रहता है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इन टू द पाउच। अब वो जो अजनबी के सामने ये सब बता रहा था, तो उसको पता नहीं उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को कैसा लगा, तो वो उठा और विंडो के पास जाकर के नेल यानी वो खील पे टंगी हुई एक लेदर पाउच को निकालता है। उसमें से वो क्या निकालता, 30 मुड़े तोड़े 10 क्रोनर बिल्स निकालता है उसके सामने। और उसको कहाँ दिखाता है, उस जो गेस्ट जो आती थी उसके यहाँ पर, जो व्यक्ति चूहेदानी बेचने वाला जाता है ना, उसके सामने सिर हिलाते हुए वो पैसे दिखाता है और वापस से फिर उसको उसी पाउच में रख करके टांग देता है। मतलब जो पैसे उसने कमाए उसने उस अजनबी व्यक्ति को दिखा दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ड्रेस सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। अब क्या होता, अगले दिन क्या होता, दोनों जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो और जो रेड ट्रैप बेचने, जो चूहेदानी बेचने वाला रहता है, ये दोनों गुड सीजन यानी सुबह अच्छे समय, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसको जल्दी रहती है कि वो अपनी आय से दूध प्राप्त कर ले, इसलिए वो बहुत जल्दी करता है। और जो दूसरा चूहेदानी बेचने वाला रहता है वो भी क्या करता है, सोचता है कि अब मुझे ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसका जो मालिक है वो उठ चुका है, इसलिए मुझे भी उठ जाना चाहिए। तो अब वो जो मालिक रहता है वो दरवाजा कॉटेज का डोर बंद कर देता है, लॉक कर देता है, और जो चाबी रहती है वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जो चूहेदानी बेचने वाला रहता है वो भी, अब क्या, जब वो लॉक कर रहा है इसका मतलब कि उसको भी अब जाने को बोल रहा, तो वो उसको थैंक यू बोलता है, गुड बाय बोलता है और अपने रास्ते चल देता है। अब इसके आगे क्या होता है, बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रिप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, He only went up to the window, smashed a pen, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hanged the leather pouch very carefully back in its place and went away. लेकिन क्या होता है, ये जो चूहेदानी बेचने वाला रहता है ये तो छोटा मोटी चोरी भी करता है, इसको जब पैसे देख लेता है तो इसके अंदर लालच जगती है, तो आधे घंटे बाद ही वो फिर से वापस आ जाता है और दरवाजे पर खड़े हो जाता है। लेकिन वो दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, वो कहाँ पहुंचता है, विंडो पे पहुंचता है और स्मैश, जब जो विंडो का जो शीशा रहता है उसको तोड़ करके और अपने हाथ अंदर निकाल लेता है, उस पाउच से जो पाउच वहां टंगा रहता है उससे 30 क्रोनोर यानी 30 क्रोनोर निकाल लेता है, पूरे पैसे निकाल लेता है और अपने जेब में यहाँ पर थर्स्ट यानी ठूस लेता है, जैसे जैसे मोड़ के रख लेता है, और वो जो लेदर पाउच है वापस उसी जगह पर टांग करके चल देता है। तो अब ये इसके आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस